पूजा जी, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है बैंक का, आपके हिसाब से सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है जब कोई इंसान कॉम्पिटिशन के फेस करता है? आपको जब भी आप इसकी तैयारी कर रही हो तो आपको सबसे बड़ा चुनौती ये रहेंगे कि आपको ये नहीं सोचना है दिमाग में कि आप नहीं कर पाएंगी। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि आप कर सकती हैं, चाहे आपको एक पाँच छः महीना लगे, एक साल लगे, दो साल लगे, लेकिन कंसिस्टेंटली रहना है। ये घबराना नहीं है, सबके साथ अपना फैमिली सपोर्ट आपको अगर मिल रही है तो वो सबसे अच्छी बात है कि आपको फैमिली अगर सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, एक साल जॉब, एक साल तैयारी करने के बाद बोलते हैं कि नहीं तुम कुछ प्राइवेट जॉब कर लो या फिर कहीं और देख लो, जो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा बहुत टाइम लग रहा है, तो उसमें वो नहीं सोचना है। आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करने जाना है तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस का मंत्र, अगर चार सक्सेस का मंत्र है तो क्या हो सकता है जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? कंसिस्टेंस, प्रिजर्वेंस, प्रैक्टिस एंड फोकस। फोकस आपके हिसाब से बहुत लोग बीच में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, नहीं लगेगा, ये जो कंफ्यूजन होता है खुद पर बिलीव नहीं होता कि हाँ हो जाएगा, इस पर क्या कहोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात ये अपने पे विश्वास, हाँ विश्वास होना चाहिए। मेरा जो अभी सिलेक्शन हुआ है इंडियन बैंक में IBPS क्लर्क में, तो मुझे भी वैसा विश्वास नहीं था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी मॉम, उनको पूरा विश्वास था कि मेरा होगा ही होगा, जब से वो बस रिजल्ट का था कि 1 अप्रैल को आएगा। लास्ट मेंस मैंने दिया, मम्मी को उस समय चाहिए था कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने बोला हो सकता है नहीं हो, क्योंकि मेरा उतना कुछ खास नहीं गया है, हो सकता है नहीं भी हो, 50-50 चांसेस है। लेकिन नहीं, मेरी फैमिली को पूरा मेरे पे सब विश्वास था कि नहीं हो ही जाना है, और फाइनली 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया। पूरे जर्नी में आपके हर्डल्स क्या था आपके लिए? जरूर हर्डल्स आएंगे, ये लंबा जर्नी था। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत बार मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक दो फ्रेंड के हो गए थे, बहुत लोगों ने स्विच कर लिया, कोई दूसरे कंपनी चले गए, प्राइवेट में चले गए, लेकिन उन्हें देख के मुझे भी लगता था कि नहीं मुझे भी छोड़ देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, टाइम जा रहा है, प्राइवेट के लिए ट्राई करना चाहिए, कुछ अच्छी कंपनी देखनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो नहीं है, हमेशा करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ ही आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप करते जाइए, गिव अप मत कीजिए, आपकी फैमिली है, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आपको लगता है स्टूडेंट के लिए अच्छा लेक्चर भी बहुत जरूरी होता है? ऐसा नहीं है, गांव के लोग गांव में रह के भी आजकल तो ऑनलाइन हो गई एग्ज़ाम तैयारी कर सकते हैं सब, तो आपको आप गरीबी अमीरी कोई हर्डल नहीं, 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 कर सकते नहीं। हाँ, सबको एक्सेस कर सकते हैं, गरीब से गरीब लोग भी आजकल इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उनको पता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आप आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही कुछ आप मोटिवेशनल के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग जर्नी है, कुछ होता है ना खुद एज अ स्टूडेंट यहाँ दोस्तों से मिल लेना, फिल्म देखना, आपका क्या पर्सनल मोटिवेशन? हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, सबसे अच्छा सोर्स देखा जाए तो वही है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड करते रहेंगे। मेरे भी दो चार फ्रेंड हैं, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते, नहीं तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो आपका सबसे बड़ा ये है, फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।